तो गुड मॉर्निंग गाइस, मुक्तिनाथ में हम लोग अभी बहुत ही धूप निकली हुई है। बस यहाँ से हम निकल रहे हैं हम सीधे टुवर्ड्स पोखरा एंड कोशिश रहेगी टुवर्ड्स मनांग जितना हम ड्राइव कर सकें। देखते हैं टाइम कितना लगता है वहाँ पहुँचने में एंड क्या रूट लाइक क्या स्टेटस रहता है। अपडेट करूँगा, बात करूँगा, वार्तालाप करूँगा। तो करते हैं दिन अपना शुरू एंड ज़्यादा लेट नहीं करते। ऑलमोस्ट 10 बज गए हैं, ठीक है। तो निकलते हैं फटाफट और करते हैं गाड़ी में बैठ के आराम से बात। बाय द वे सामान सारा अरेंज हो गया है, जो मेरा सोने का था वो हट गया, वो पैक हो गया, इधर सामान सारा इधर आ गया। दिनेश भाई भी अपनी रेडी कर रहे हैं गाड़ी, मेरा भी सारा सामान रेडी है। करते हैं बंद, देखो सुसी, और देखो चारों तरफ का माहौल बहुत तेज धूप हो रखी है यार। नाइस स्काई, मैंने सोचा था कैप्चर करूंगा पर इतनी तेज मूनलाइट थी कि कुछ कैप्चर ही नहीं हो पाया। एक और मस्त चीज़ देखो, टेम्परेचर अभी धूप देखी बाहर कितनी भयंकर तेज़ हो रखी है और टेम्परेचर है -1। रात को अच्छा खासा ड्रॉप हुआ था, बट ये कि अभी गर्मी भी लग रही है भयंकर वाली, क्योंकि बहुत हिल टॉप है यार। लेकिन ऐसे ऑलमोस्ट हम लोग हिल टॉप पे ही हैं, ये सीन है गाइस। तो चलो चल रहे हैं और हम लोगों ने अपनी ड्राइव शुरू कर दी है टुवर्ड्स पोखरा एंड कोशिश यही है कि जितना जल्दी हम पोखरा पहुंच सके, क्योंकि वहां से फिर परमिट उठाने मनांग वाले एंड देन वहां से फिर अपने को मनांग निकलना है। सो दिस इज द प्लान। अब देखो रास्ते में क्या सीन रहता है, रास्ते का क्या रहता है अपडेट, वो मैं आप लोगों को करता रहूँगा। बाकी मैं अपने साथ अपने शेड्स कैरी करना भूल गया था, बट अच्छी चीज़ ये है कि कल जब हम लोग यहाँ को आ रहे थे तो धूप पीछे की तरफ थी, अभी हम उधर को जा रहे हैं तो भी धूप पीछे की तरफ है। तो पता ना सन लाइट से मेरा बचाव हो गया। मेरे को कॉल आई है जॉनसन से, पुलिस से आई थिंक, कि कल जब मैं आ रहा था मैंने मेरे पास ड्रोन कैरी कर रहा हूँ, मैंने उनको नोट करवा दिया था कि हाँ मेरे पास ड्रोन है, ये है वो है। एंड उन्होंने बताया था कि उड़ाना मत, अगर ड्रोन उड़ाओगे अलाउड नहीं है, मिनी के लिए आपको नगर पालिका से परमिशन लेनी होती है और A2S को लिए आपको, जो माइक्रो कैटेगरी का आता है उसके लिए आपको गृह मंत्रालय से परमिशन लेनी होती है। अगर आपने उड़ाया बिना परमिशन के, पकड़ा गया तो जब्त हो जाएगा एंड देन फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगा, पेनल्टी पे करने के बाद भी वो नीलामी में चला जाएगा। ये सब चीज़ें इन्होंने मुझे बताई थी। तो अब ऑब्वियस सी बात है यार, ये सब चीज़ें जानने के बाद तो कोई उड़ाएगा नहीं, तो मैंने ड्रोन तो कहीं उड़ाया नहीं। बट अभी मेरे पास कॉल आई है कि आपके पास ड्रोन है, मैं बोला हाँ है। तो कहता है आप जॉनसन कब कब क्रॉस कर गए, मैंने बोला अभी किया नहीं, भी करना है। तो बोला उन्होंने कि करोगे तो फिर जॉनसन में रुक के जाना, और जॉनसन में एयरपोर्ट भी है, तो मे बी सिक्योरिटी रीजन की वजह से बोल रहे होंगे। तो अभी देखते हैं जाके जॉनसन में क्या बोलते हैं। यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि सोलो ट्रैवल करता हूँ कैसे करूँ मैं, कि अपनी गाड़ी की फोटोज भी लूँ, अपनी गाड़ी की वीडियोस भी बनाऊँ, गाड़ी को चलता हुआ भी दिखाऊँ। बड़ा मुश्किल है यार, उतर उतर के जाओ, कैमरा लगाओ, फिर आओ, फिर क्रॉस करो, फिर कैमरा उठाने जाओ। दिस इज वेरी टफ। ऐसे जब मैं मस्त ब्लॉगर बन जाऊंगा ना, मस्त पैसे आ रहे होंगे, तो मैं अपने साथ दो गाड़ी लेके चला करूंगा, मतलब अपने साथ एक गाड़ी और, वो मेरे को रिकॉर्ड किया करेगी एंड तब मैं बढ़िया व्लॉग बनाऊंगा। ऐसे गाड़ी के चलते हुए शॉर्ट्स आए करेंगे और बहुत कुछ आए करेगा। देखो गाइस, ठीक है गाइस, तो बेसिकली ये है वो नदी जो जब मैं लास्ट ईयर आया था, लास्ट टाइम आया था, तो वो जो ऊपर हाईवे जा रहा है वो हाईवे नहीं था, सिर्फ ये नदी थी और आपको ये नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था। एंड आई वाज लाइक ऑलमोस्ट लॉस्ट इस नदी में, रात का टाइम था, कुछ नहीं पता था जाना कहाँ पर है। बट अभी तो हाईवे बन गया ऊपर से, तो आप ऊपर ऊपर चले जाते हो। यहाँ तो बस मैं एक थोड़ा सा एक फोटो वीडियो बनाने उतरा हूँ। तो
फाइनली दिनेश भाई वेट कर रहे थे पीछे, एक विलेज पड़ता है वहाँ पे मेरा, और क्योंकि जज जी वो जॉनसन वाले चेक पोस्ट पे पहुंचे थे, उनको रोक लिया और उनसे पूछा मेरी गाड़ी के बारे में मेरी गाड़ी के लिए पूरी फील्डिंग मचा रखी थी, मैं मजाक कर रहा हूँ, पर पूरा नोट वोट कर रखा था मेरी गाड़ी का नाम नंबर सब कुछ। एंड जैसे ही वो पहुंचे उनसे पूछ रहे थे कि मेरी गाड़ी के बारे में, उन्हें बताया कि ऐसे पीछे बच्चा आ रहा है, ये है वो है, और फिर इनको तो जाने दिया और जैसे ही मैं आया मुझे रोक लिया। बट ठीक है, कोई ऐसा पंगा नहीं आया अभी तक, सब बढ़िया चल रहा है। एंड लेट्स सी मनांग कैसे रहता है। आई एम वेरी होपफुल फॉर मनांग यार, मैं बहुत, मतलब ये तो मैं उनको भी बात बोल रहा था कि भाई आई एम वेरी क्या कह सकते हैं इसको, लकी कि मैंने 2018 में इसका रॉनेस एक्सपीरियंस कर लिया था इस लोकेशन का। अब तो बहुत कमर्शलाइज हो गया है, बहुत मतलब पैसे भी यहाँ पर बिल्कुल डबल मांगने लग गए हैं चीज़ के, एंड चीज़ें बहुत बदल गई हैं यार पहले से। ठीक है, अभी लोकेशन अपने हिसाब से ग्रो कर रही है, बट स्टिल थोड़ा चीज़ें ना, मतलब जो होता है ना कि जो अपन को पसंद है लाइक एडवेंचर, वो चीज़ें अब यहाँ पर मिसिंग है। तो ठीक है, देखते हैं मनांग क्या रहता है। वेरी होपफुल कि यहाँ वहाँ पर कुछ मज़ा आएगा अपने को, लेट्स सी क्या रहता है। तो ठीक है, पहले जाके पूछता हूँ क्या उनका सीन है, फिर अकॉर्डिंगली आपको अपडेट करता हूँ। चेंज इन प्लान, दिनेश भाई रेस्ट करेंगे अभी और मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पोखरा के लिए। बट बिफोर आई लीव फॉर पोखरा, क्योंकि मुझे पता है रास्ते में ऑलमोस्ट सब चीज़ें बंद हो चुकी होंगी, इतना रात यहाँ पे कुछ खुलता नहीं है, तो मैं फ़िलहाल एक अपना लास्ट टॉनिक ले रहा हूँ। ये मेरा टॉनिक रात की ड्राइव के लिए, इसको पीते हैं और फिर निकलते हैं टूवर्ड्स पोखरा। सीन कुछ ऐसा है कि मेरे कपड़े देख के आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने भी डुबकी मार ली। वैसे कपड़े देख के क्या समझ में आया होगा, आपने मेरा वीडियो देख ही लिया होगा। तो अभी फिलहाल सीन कुछ ऐसा है कि मैं निकल रहा हूँ यहाँ से पोखरा के लिए और दिनेश भाई थोड़ा रुक के निकलेंगे रेस्ट करके। अंधेरा, फुल ऑन सुनसान रास्ता, और हम बात करते करते पहुँचेंगे पोखरा, उठाएंगे परमिट और फिर वहाँ से चलेंगे आगे। ये है सीन, रात को
मुक्तिनाथ पे वापस ड्राइव करने का। इट्स लाइक पूरा सुनसान पड़ा होता है और बढ़िया बस आप चलते रहो। गाइस देखो मैं नाइट ड्राइव कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी देख के नाइट ड्राइव करो ऐसी ऐसी लोकेशंस पे। इट इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल कि आप ऐसे जगहों पे रात को ड्राइव करो। मेरे अपने रीजंस हैं ड्राइव करने के एंड बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है यार, बहुत कंडीशंस होती हैं जब आप ये सब कॉल लेते हो कि आप रात को ड्राइव करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। और अब इन चीज़ों पर मैं बात क्या ही करूँ क्योंकि ये चीज़ें सबको समझ में नहीं आएंगी, बट मेरी तरफ से मेरी ऑडियंस को यही मैसेज रहेगा कि हमेशा ऐसी लोकेशंस को अवॉइड करना रात को ड्राइव करना। इट इज़ नॉट एट ऑल सेफ, ठीक है। आप डे लाइट में ड्राइव करो। एक ढाबा दिख गया, चलते हैं चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं आगे। तो फिलहाल रात का टॉनिक आ गया हमारा, चाय पीते हैं। दिखाता हूँ आपको अपनी सूजी, बड़ी बड़ी सूजी। तो बढ़िया, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। आई एम श्योर कि तुमको भी कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, सिर्फ एक मस्त सी रोड दिख रही होगी। बट अभी मैं बाहर निकलता हूँ, मैं एक फ़ोटो क्लिक करता हूँ एंड फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे एक्चुअली में दिख क्या रहा है। नेपाल में ना ये सीन है रात का, बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई रोडें हैं, ठीक है। ये खड़ी हुई मेरी सूजी एंड आई जस्ट होप कि ये देखो, देख रहे हो व्यूज़, फुल मून हो रखा है एंड ये स्नो कवर्ड माउंटेन्स इतना मस्त चमक रहे हैं। एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ, क्या अल्टीमेट लग रहे हैं ये। देखो यहाँ पर एक सीन क्या है ना, यहाँ पर सब चीज़ें बंद हो जाती हैं 8-9 बजे के बाद। तो ये रहा पेट्रोल पंप और ये बंद हो चुका है। अब लोचा ये कि मेरी गाड़ी का जो फ्यूल है वो ऑलमोस्ट लास्ट बार पे आने वाला है। मैं 40 लीटर अपने साथ कैरी कर रहा हूँ बट अभी मेरे को वो मन नहीं है कि मैं रात को वो डीजल इसमें ट्रांसफ़र करूँ, तो देखते हैं क्या रहेगा। फिलहाल पहले पोखरा पहुँचते हैं, उसके बाद सोचेंगे आगे। देख रहे हो गाइस, सुनसान सड़कें। अब जा रहा हूँ टूवर्ड्स द सेम होटल जहाँ पर अपन रुके थे लास्ट टाइम। टाइम हो रहा है 1:50 और मैं पहुँच गया हूँ होटल। तो जाके चेकिंग करते हैं, रूम लेते हैं और सोते हैं, फिर सुबह निकलेंगे आगे। यहाँ पर हो रहा है पानी गर्म, यहाँ पर हो रहा है मेरा डेटा कॉपी और मैं बना रहा हूँ ये, क्योंकि लग रही है भूख भयंकर वाली। तो शुक्रिया करना चाहेंगे हम मिस्टर मनीष राय का, जिन्होंने मुझे बोला ये सब कैरी करने के लिए और आज उनकी बदौलत मैं ये खा पा रहा हूँ। ओके गाइस, हम ये खाते हैं, उसके बाद डेटा कॉपी करते हैं उतनी देर में और फिर सो जाते हैं।
अब करते हैं ब्लॉग को एंड। गुड नाइट गाइस।